घर नहीं गए, हम पक्के पक्के नहीं गए, हम घर नहीं गए। मेरा सिर्फ दो घर बचा पूर्णिया में, सारी संपत्ति बेच दिए। 56 लाख लोग सड़क पर था, माँ के पास बाथरूम नहीं था। 3500 शौचालय, लगभग 2000 सुपर चंदे पर 32 लाख लोगों को 2 महीने तक सड़क पर बैठ के पप्पू यादव हर घर तक खाना पहुंचाए। उस वक्त कोई क्यों नहीं होता, उस वक्त कोई नेता क्यों नहीं, उस वक्त कोई नेता क्यों नहीं, कहे क्यों उस वक्त नेता नहीं होता, उस वक्त पप्पू आपका बेटा क्यों, सिर्फ पप्पू क्यों? जब आपके घर में कोई परेशान करता है, अकेला पप्पू यादव होता है पूरे भारत में। उस वक्त ये नेता कहां गया? किताब कहां है? ये किताब है, प्रतिज्ञा पत्र। ये मेरा हाईकोर्ट में दस्तखत है, जज को मैंने दिया, जज को लिखित दे दिया कि किसी भी कीमत पर हमको यदि पप्पू ने अपना मांग लिया, मैं वचन देता हूं जितनी बुखार में हम 3 महीना यहीं रह गए, नीतीश कुमार 19 दिन के बाद आए, पूरे भारत से डॉक्टर लेके हम आए और एक एक दलित एक बार नहीं 6 सालों तक, जब तक हम एमपी है जिनकी बुखार में अकेले है, एक बार कोई नहीं पहुंचा, नीतीश नहीं पहुंचा। दलित के बच्चों की बारी हो तब पप्पू, मैंने कहा सिर्फ 3 साल हमको बच दीजिए, 3 साल में यदि एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं हुआ तो हम राजनीति से संन्यास। एक भी गरीब का बच्चा, एक भी गरीब का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, एक भी। 5 सालों तक वो पढ़ेगा और जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसके परिवार को 4000 रुपया महीना पप्पू यादव की सरकार। एक भी इंटर करने के बाद बच्चा जो पढ़ना चाहेगा उसको माँ बाप पर असिद नहीं बने देंगे। गरीब को 8000 रुपया हर बच्चों के अकाउंट में पप्पू यादव देगा जब तक वो पढ़े। कोचिंग फ्री है सर, कोचिंग फ्री। मैं बहुत क्लियर किया हूं, हमेशा कोचिंग फ्री कर देंगे, कोई गरीब को पैसा नहीं लगता। ये पप्पू यादव